नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता, मुख्यमंत्री डोंबिवली के दामाद हैं, उन्हें डोंबिवली शहर की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा मनसे विधायक प्रमोद पाटिल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ज्ञापन देकर मांग की है। प्रदूषण और अस्वच्छता के लिए जिम्मेदार MIDC महापालिका के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। तो आइए देखते हैं मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। सांस्कृतिक उपराजधानी के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब प्रदूषण के शहर के रूप में जाना जाता है। विधायक प्रमोद यानी कि राजू पाटिल ने इस स्थिति के लिए जिम्मेदार MIDC और महापालिका के अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कुछ साल पहले डोंबिवली का जिक्र सबसे गंदे में किया था, लेकिन यहाँ के नगर पालिका अधिकारियों ने उस बयान पर अमल नहीं किया। MIDC की स्वच्छता, कचरे के तब्दील नालियों, कूड़े के ढेरों की शिकायत के बावजूद सिस्टम एक दूसरे पर जिम्मेदारी ढकेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे डोंबिवली शहर की समस्याओं की ओर ध्यान दे, आखिर वो डोंबिवली के जमाई है। बीच में केंद्र से कुछ पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी आए थे और उन्होंने यहाँ का जायजा लिया, तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे उनके जो नॉर्म से उसके हिसाब से कुछ सही नहीं चल रहा है, और उन्होंने यहाँ के जो अधिकारी वर्ग है उनको भी काफ़ी सूचनाएं की, उनको काफ़ी जोर लगाया उनके ऊपर कि ये काम क्यों नहीं हुआ है, उनसे सवाल पूछे। तो हम लोग भी ये बार बार करते हैं कि इनको निवेदन देते हैं, इनको बार बार मिलते हैं, लेकिन ये लोग कुछ करते नहीं, और हम लोग कुछ एग्रेसिवली जाते हैं इनके सामने, तो हमारे ऊपर 353 की केसेस करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखे मैंने मुख्यमंत्री साहब से बोला कि आप मतलब अच्छे इसमें बोला कि आप हमारे डोंबिवली की जमाई भी है, आपके सुपुत्र जो है कैबिनेट मिनिस्टर है आदित्य जी, उनके पास पर्यावरण का खाता भी है उनके पास, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे और यहाँ पे हमारा डोंबिवली वालों का जीवन थोड़ा अच्छा करे। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज के साथ।